आशा करते कि आप और आपका परिवार सुरक्षित है। हालेलुया, आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव मीटिंग में। हम चाहेंगे कि ये जो वीडियो है वो कृपया करके आप शेयर कीजिए अपने आपके दोस्तों के साथ, आपके परिवार वालों के साथ, ताकि आपके साथ साथ आप भी आशीष, वो भी आशीष पाए। हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है पुलुष्यो 4:2 में कि प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ जागृत रहो। हालेलुया, तो आइए आज के मीटिंग का शुरुआत हम करेंगे प्रार्थना के साथ। पिता परमेश्वर, धन्यवाद उस दिन के लिए परमेश्वर, हम एक मन एक हृदय होकर आपके समकाल परमेश्वर वो धन्यवाद यीशु मसीह हम प्रार्थना करते परमेश्वर, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते कि आपने हमें पूरे हफ्ते पिछले पूरे हफ्ते संभाले रखा, आपकी सुरक्षा में रखा परमेश्वर, आपके परों में नीचे के नीचे सुरक्षित रखा परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह। आज का जो मीटिंग है शुरुआत से लेकर अंत तक आपके हाथों में रखने परमेश्वर, हर एक गीत आपकी उपस्थिति को सफल करने दे, हर एक दर्शक के घरों में धन्यवाद यीशु मसीह। और आज का जो वचन होगा वो आप ही की ओर से होगा और हम सब के लिए होगा। अभी से हम ऐलान करते परमेश्वर, यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति का जो भी प्रश्न है आज के वचन के द्वारा उसका उत्तर को मिलने दे परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह। और जो बीज बोएंगे वे हजारों लाखों की कटनी काटेंगे परमेश्वर, परंतु जिनके पास बीज नहीं है बोने के लिए उन्हें भी तू बीज दे, ताकि वो भी आपके राज में बो के आशीष पा सके परमेश्वर। सारा गौरव आदर मान के योग्य केवल आपको, आपकी इच्छा होने दे, पूरी होने दे हमारे द्वारा। ये प्रार्थना हम जीवित खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और सभी ने कहा आमेन आमेन आमेन। हालेलुया, परमेश्वर का वचन भजन संहिता 100:2 में लिखा है, आनंद के साथ यहोवा की आराधना करो और जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। हालेलुया, अब समय है आनंद मनाने का, मसीह में उसकी स्तुति करने का, उसकी आराधना करने का। तो मैं चाहती हूँ कि आप जहाँ भी बैठे हो हमारे साथ स्तुति आराधना कीजिए और परमेश्वर के आनंद में लगलीन हो जाइए। जैसे यरमाया 20:11 में लिखा है कि परंतु यहोवा मेरे साथ है, वो भयंकर वीर के समान है, तो हम चिंतित नहीं होंगे बल्कि खुशी मनाकर उसकी स्तुति करेंगे गीत के द्वारा। प्रभु यीशु हालेलुया, प्रभु का प्रभु।
Hallelujah, hallelujah.
विश्वास करते हैं कि आप जहाँ भी थे आपने हमारे साथ स्तुति आराधना किया। अब समय है भजन संहिता का घोषणा का। हम चाहते कि आप हर अर्थ को समझते हुए हमारे पीछे पीछे ये घोषणा कीजिए। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में टिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान है और गढ़ है। वो मेरा परमेश्वर है। मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेली के जाल से महामारी से बचाएगा। वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा उस तीर से जो दिन को उड़ता है न उस मरीज से जो अंधेरे में फैलती है और न उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है। तेरे निकट हजार तेरे दाहिनी ओर 10,000 परंतु वो तेरे पास न आएंगे परंतु तू अपने आंखों से दृष्टि करेगा दुष्टों की अंत को देखेगा हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़े न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे तू सिंह और नाग को कुछ जवान सिंह और अजगर को लताड़े उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसकी सुनूंगा मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है जब वो मुझको पुकारे मैं उसकी सुनूंगा संकट में मैं उसके संग रहूंगा मैं उसको बचाकर उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए गए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा आमीन। तुझको सारी महिमा सारा आदर लाते हैं तुझको दिल के करीब
एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे जीवित रहता है। हालेलुया। तो क्या आप तैयार हो आपके बुक आपके पेन निकाल कर? हालेलुया, क्योंकि अब समय है आत्मिक भोजन का। आइए जोरदार तालियों के साथ हम आगे बुलाएंगे अपोस्टल विल्सन और पास्टर सलीम को। संडे सुबह वापस आपके घरों में प्रभु मौका दिया। संडे गॉड इज अपॉस्टल कम टू योर हाउस। क्या आप स्तुति आराधना किए? प्रेज और शामिल के द्वारा कन्फेशन किया। आमेन। तैयार है वचन के लिए। आपको मालूम है किधर बैठे हैं? जोर से बोलो हीलिंग पावर इंटरनेशनल। आज के वचन के लिए तैयार है? बाइबल और नोटबुक लेके आइए। टेक योर बाइबल नोटबुक एंड रीड इट विद ऑयल एंड जल्दी से आइए। पानी और तेल भी ले लीजिए। ब्रिंग योर ऑयल एंड वाटर आल्सो एंड ब्लेस इट। लोग की गवाही आ रहे हैं कि वो पानी टेस्टिमनीज कमिंग फ्रॉम दिस ऑयल एंड गवाही गांव गांव लोग दे रहे हैं एक दूसरे को और चंगाई पा रहे हैं। तेल और पानी में अभिषेक है। Power in the an anointing in the oil. आइए हम वचन में जाएंगे। We'll go for the word. Okay. Okay. तैयार है? I'm ready. नहीं है तो जल्दी जाके नोटबुक बाइबल लेके quickly get your Bible and notebook. और बहुत सारे नोट लिखे क्योंकि ये बहुत उत्तम वचन है। It's going to be an excellent word. आज हम महिमा के बारे में सीखेंगे। Today we're going to learn about the glory. इन दिनों में हम supernatural के बारे में सीखेंगे। And these days we're talking about the supernatural. Supernatural, हमारा परमेश्वर supernatural है। Do you know our God is supernatural? वो हमें supernatural बनाया। He has created us supernatural. और हमको supernatural करने के लिए बनाया। To do supernatural things. उसके लिए पहले बात हमने देखा सुपरनैचुरल परमेश्वर की रेवलेशन यानी कि प्रकाश। First day we heard about the revelation of the supernatural God. दूसरा यीशु मसीह और क्रूस ही सुपरनैचुरल दे सकता है। Second we saw how we get the supernatural through Jesus and the cross. सुपरनैचुरल में चलने के लिए विश्वासी के लिए तीन बातें दी है। एक है and three things are given for the for the believers to walk in the supernatural. विश्वास versus faith. विश्वास हमें परमेश्वर की बातों को अगुवाई करता है। Faith leads us in the things of God. दूसरा हमने बोला अभिषेक। Second we talked about the anointing. आज हम प्रभु की महिमा के बारे में। Today we're going to talk about the glory of God. महिमा का मतलब क्या है? इब्रानी शब्द है। What is the glory of God? It's come from the Hebrew word. Kabod. Kabod. यानी कि doxa. Means a doxa also. उसका मतलब है परमेश्वर majesty. अगर so कोई नाम majestic. प्रभु को प्रभु yes. को दे सकता है तो सिर्फ प्रभु को ही दे सकता है majestic. If you can give some name for God, it can give it as majestic. Absolute perfection of his deity. उसकी स्वर्गीय यानी कि परमेश्वरता अगर प्रनाउंस करेगा अगर घोषणा करता तो सिर्फ यीशु मसीह पिता पुत्र पवित्र आत्मा में ही परिपूर्णता। उसके इफ यू टॉक अबाउट द फादर सन द होली स्पिरिट डीटी इट इज मोर अबाउट डायटी एंड डिविनिटी। डेटी मतलब ईश्वरीय स्वर्गीय स्वर्गीय वो एक ही व्यक्ति को बुलाया जा सकता है उसका नाम है यीशु मसीह। वो ही सुपरनैचुरल कर सकता है। वो हमारे साथ है हम भी सुपरनैचुरल कर सकते हैं। परमेश्वर की महिमा उसकी उपस्थिति के द्वारा यहोवा में उपस्थित है। गॉड्स ग्लोरी थ्रू हिज प्रेजेंस is available. बड़ा गौर से जो शब्द आपको अच्छा लगता है लिख के लो। मैं बताऊँ ये आपके जीवन को बदल देगा। Listen carefully the things that you like. Please put it in the paper. पहला कोरिन्थियों 15 उसका 40. From 1 Corinthians 15 40. पहला कोरिन्थियों 15 उसका 40. 1 Corinthians chapter 15 verse 40. स्वर्गीय देह और पृथ्वी देह भी है। There are also celestial bodies and terrestrial bodies. परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पृथ्वी का और है। But the glory of the celestial is one and the glory of the terrestrial is another. Glory हमेशा महिमा हमेशा स्वर्ग से रिप्रेजेंट करता है। Glory always represent from God. शरीर हमेशा धरती के रिप्रेजेंट करता है। Now body always represent the earth terrestrial. इसलिए ये शरीर जो मिट्टी से लिया मिट्टी में चला जाएगा। Therefore this body which is taken from the dust will go back to the dust. जब स्वर्ग में जाएगा हमें तेजस वाला शरीर मिलेगा। Do you know when you go to heaven you get a
ट्रांसफॉर्म बॉडी, ट्रांसफिगर्ड बॉडी। ये शरीर मिट्टी से लिया मिट्टी में जाएगा, जो शरीर जो शरीर स्वर्ग से आएगा वही शरीर आपको स्वर्ग लेके जाएगा। द बॉडी दैट कम्स फ्रॉम हेवन ओनली विल टेक यू टू हेवन। कितना लोग सुन रहे हैं, वो तेजस वाला शरीर, दैट्स अ ट्रांसफॉर्म। यीशु और परमेश्वर पिता परमेश्वर तेजस वाला शरीर में, इसलिए वो स्वर्ग में। गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट हैज अ ट्रांसफिगर्ड एंड ट्रांसफॉर्म्ड बॉडी। दूत लोग का भी तेजस वाला शरीर। इवन एंजल्स हैव ग्लोरियस बॉडी। आमेन, आमेन। जब आदम और हव्वा को बनाया था परमेश्वर उस महिमा में बनाया था। When God created Adam and Eve, He made them in that glory. उत्पत्ति 2 के साथ। Genesis 2:7। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, उसकी नथनों में जीवन का श्वास फूंका, आदम जीवित प्राणी बन गया। And the Lord God formed man and the dust of the ground, of the dust of the ground. And breath into his nostrils, the breath of life. परमेश्वर became a living being. परमेश्वर ने पहला आदम को रूप दिया। The God gave a form to the first Adam. आदमी बंदर से नहीं आया, आदमी को परमेश्वर बनाया। Adam is God. Man has never come from a monkey or ape. और कोई थ्योरी से हो ही नहीं सकता। From God. All the theories are wrong. सारा डार्विन थ्योरी और एवोल्यूशन रेवोल्यूशन जो भी थ्योरी है सब गलत है बाइबल के अनुसार। As per the Bible, the Darwin theories, evolution and all those Bible things कहते are कि all lies. पहले आदमी को परमेश्वर ने मट्टी से बनाए रूप दिया। Because God, the Bible says, a man was formed out of the dust by God. और परमेश्वर ने उसकी नाकों में फूंका। And God breathed in his nostrils. वो क्या फूका? परमेश्वर की महिमा फूका। Breath, breathe his the presence, the spirit of God inside him. जहाँ पर परमेश्वर की महिमा आता है उधर जीवन आता है। Where there's glory of God, there's life. इसलिए जब परमेश्वर ने उसकी नथनों में फूका तो वो जीवित प्राणी हो गया और वो चलने फिरने और बोलने लग गए। When God breathed into the nostrils the life of God, He became a living soul and started walking and talking. परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर की सभा से, परमेश्वर की महिमा से पहले आदमी भर गया। But the nature of God, the character of God, and every character, everything about God, the man evolved into. अब वो आदम इतना इंटेलिजेंट था। And Adam was so intelligent. क्योंकि वो परमेश्वर की प्रभुता यानी कि परमेश्वर की लीडरशिप को पहचान सके। Because he recognized the leadership and the sovereignty of God. कोई भी प्रॉब्लम उसके सामने प्रॉब्लम नहीं रहा, प्रॉब्लम टूट के गिरे क्योंकि इतने इंटेलिजेंट वो महिमा उसके द्वारा करता। Because he was, there was no problem or problem for Adam because he was so intelligent. परमेश्वर का वचन कहता है एदन को बनाकर एदन की वाटिका में रखा। It's the word of God says God created Eden, Garden of Eden and kept Adam and Eve in the garden. एदन की वाटिका कोई जगह नहीं, वो परमेश्वर की उपस्थिति है, परमेश्वर की महिमा है। The Garden of Eden is not any place but the very presence of God. हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर आदम को बनाया वो बिना बीमारी का बनाया, बिना गरीबी का नहीं, आशीष में बनाया, नो डिप्रेशन, नो सैडनेस, मौत नहीं, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर की महिमा यानी कि महिमा मतलब एटर्निटी है। When God created Adam, He made him without sickness, without poverty, without death, but He made him full of blessing and life and every good thing. God, he was filled with God's glory and sovereignty. परमेश्वर की महिमा अभी इसी इसलिए विश्वास क्या है? अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है भाई। The man was made in the glory of God and now glory. What is now glory? It's called now faith. Like just like Hebrews 11:1 says, now faith is being sure of what I hope for, certain of what I do not see right now. Amen. पूरा धरती जो था फर्टाइल था, मीन्स कुछ भी गिरते बीज गिरते ही फल आते थे। The whole earth was fertile. Eternity काम करता है। Flourishing because eternity was working. So any seed would fall into on earth, it would just bloom and blossom and be fruitful and productive. आदम और हव्वा जो पहला आदमी और पहला औरत, when Adam and Eve, the first man, first woman, वो हमारा जैसे stages of life में नहीं गया, बचपन हुआ, teenager हुआ, adult हुआ, नहीं, वो एक ही बार बड़ा हो गया, क्योंकि परमेश्वर की ग्लोरी में वो सब कुछ संभव है। They did not go. Adam and Eve never went to the stages of what we human being go. That is a child, infanthood, childhood.
teenagehood, youthhood and adulthood. But they were just a man, woman in a right frame, in a wholesome manner, because this is possible only in the glory of God. They can be complete and wholesome. Amen. Amen. वो emotionally, spiritually, सब कुछ में परिपूर्ण परमेश्वर जैसा परिपूर्ण था. भावना तौर से और आत्मिक तौर से परिपूर्ण, they were complete emotionally and spiritually. पर दूसरा आदम यीशु मसीह जब आया, वो सारी स्टेजेस से गया. बचपना ग्रो किया, 30 साल माता पिता के अधीन में रहा, 3.5 साल परमेश्वर की सेवा किया. But we see when the second Adam, Jesus Christ came on this earth, he had to go through different stages. That is infanthood, childhood, teenagehood, youthhood and adulthood. कितने लोग समझे? If you understand, Hebrews 4 उसका 15. In fact, 30 years he submitted to his parents. After that, he did his ministry. Which is that? Hebrews के किताब 4 उसका 15. Hebrews chapter 4 verse 15. क्योंकि हमारा महायाजक, हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में साथ दुखी ना हो सके, वरना वह सब बातों में हमारी समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला. Hebrews 4:15. For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weakness, but was in all point tempted as we are, and yet without sin. Amen. Amen. यीशु मसीह हमारे जैसे शरीर में होकर, भावनाओं, फिजिकली, सब कुछ में स्टेज वाइज गया और हमारी जैसा परखा गया, पर हर बातों में वो निष्पाप निष्कपट निकला. Jesus Christ went through all the stages like us, that is infanthood, childhood and youthhood and adulthood, but he became just like us, but he was without sin in every stage of life. हम भी बिना पाप के पवित्रता में परमेश्वर यीशु मसीह के साथ निरंतर जी सकता. We can also, like Jesus, live without sin in every stages of our life. ये शैतान की झूठ है कि हम यीशु मसीह जैसा नहीं चल सकते. It is Satan's lie that we cannot be like Jesus Christ. ना तो बल से, ना तो शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता. Not by power, but with the Holy Spirit, I can do everything. पवित्र आत्मा मेरे साथ है, मैं पवित्र जीवन जैसा यीशु मसीह जिया वैसा मैं भी जी सकता है, क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे साथ. Because the Holy Spirit is within me, not by mind, not power, but the Holy Spirit. Therefore, I can live a life that is like Jesus Christ without sin. यीशु मसीह reject किया गया. Jesus Christ was rejected. यीशु मसीह आया यहूदी लोग को बचाने के लिए, वही यहूदी लोग उसे क्रूस पर चढ़ा दिया. Jesus Christ came to save the Jewish people, but the same Jewish people rejected Jesus Christ. वही यहूदी लोग उसका न्याय किया और क्रूस पर चढ़ा दिया. Same Jewish people judged him and put him on the cross. उसे थूका, उसे तिरस्कार किया, उसे कंडम किया. They condemned him. They rejected him. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. जो आदम गार्डन में मिला था, वो बातों को यीशु मसीह हमको वापस देने के लिए सब कुछ सहा. Whatever Adam had received from God in the Garden of Eden and lost it, that Jesus Christ came to restore unto us everything. वो शरीर में इसलिए यीशु मसीह को ला, मैं ही रास्ता हूँ, मैं ही जीवन हूँ, मैं ही सत्य हूँ. हमको उसके पीछे चलने का. Jesus had to come in a man form, human form. Therefore, Jesus said, "I am the way, I am the truth, I am the life." हमको यीशु मसीह, हमारे आगे यीशु मसीह गया है, हमको यीशु मसीह जैसे ही चलने का. Jesus Christ went before us. We have to walk like Jesus. वो इतिहास नहीं है, वो हमारा हकीकत है, हमारे सत्य है. That is not a history, but that is the truth and reality of life. Amen. कई लोग के लिए वो ही इतिहास होगा, पर हमारे लिए इतिहास नहीं, हमारे लिए वो जीवन और सत्य है. For some people it may be a history, but for us it's not a history. It is the reality of life. वो मेरे लिए life है यीशु मसीह. That is life for me, Jesus. Hallelujah. Christ. Hallelujah. कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूँ? If you're understanding what Amen. I'm saying. अगर इस प्रभु की महिमा को आप पहचानेगा, if you understand what is the real image of God, you'll be blessed. परमेश्वर की उपस्थिति और ग्लोरी को जो खोया था. The presence and the glory of God which was lost. कौन खोया था? Who lost it? आदम और हव्वा. The first Adam. आदम और हव्वा परमेश्वर जैसा, आओ मनुष्य को बने, कैसे बने? अपने समान में, अपनी जैसा बनाए. परमेश्वर ने अपनी जैसा महिमा के साथ आदम और हव्वा को बनाया. See, God, Adam was made in like God. That is, as God said,
come, let us make man in our own image, in our own likeness. Therefore, man, Adam was made on the full glory of God. पर आदम और हव्वा ने परमेश्वर की विरुद्ध परमेश्वर को डिसोबे किया, इसलिए वो पाप में फंस गया और उस महिमा को खो दिया. But we see Adam and Eve disobeyed God and fell down from the shot of the glory of God. सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से वंचित. Romans 3:23 says all have sinned and fallen short of the glory of God. आदम और हव्वा पाप किया, परमेश्वर की महिमा से गिर गए. And Adam and Eve sinned and fallen short. और उसके द्वारा पैदा हुआ सारा मानव जाति पाप में गिर गया. Therefore, every man and woman born on this earth in this fallen world fell into sin. रोमियो 5 उसका 12. Romans 5:12. रोमियो 5 उसका 12. Romans 5:12. इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया. Therefore, just as through one man sin entered the world, and death through sin, thus death spread to all men because all sinned. Amen. Amen. Adam and Eve के द्वारा सारा मानव जाति पाप किया. So Adam and Eve, the entire human man, mankind sinned. पर मनुष्य अपने पाप से बचने के लिए मनुष्य से नहीं बचा सकता, परमेश्वर से बचा सकता. Therefore, to save themselves from sin, man could not help them, but God had to do something to help them. उत्पत्ति में हम देखते हैं तीन के पूरे अध्याय में. We see in Genesis chapter 3, the entire chapter. परमेश्वर मनुष्य ने पाप करने के वजह से. How man through because of sin. परमेश्वर के न्याय यानी कि श्राप उनके ऊपर आया. That the judgment and of the God had to come upon them. और फिर कैसा परमेश्वर वाटिका से आदम और हव्वा को बाहर निकाल. How God banished Adam and Eve from Garden of Eden. Hallelujah. Hallelujah. Eden Vatika jagah nahi hai, Parmeshwar ki upasthiti. As I said earlier, Garden of Eden is not a place, it's a presence of God. Parmeshwar ki mahima tha. It was the glory of Har God. Har roz sham ko Adam aur Hawa se milne ke liye Parmeshwar khud utar ke aate. Every evening in the cool of the day, Adam God would come down and talk with walk and talk with Adam and Eve. परमेश्वर ने कहा अगर तू ये फल को खाएगा तू मर जाएगा. God had warned Adam that if you eat the fruit of this tree you will die. पर जब वो फल खाया क्या हुआ, वो फेलोशिप, वो संगति, वो महिमा निकल गया. What happened when they ate the fruit? The fellowship, the glory and connection with God was broken. अभिषेक और महिमा में अभिषेक, परमेश्वर नहीं रहेगा तो भी वो अभिषेक लिंगर करता है. There's something called two facts, two truths, that is anointing and glory. See, the anointing can stay, linger with you, stay with you for some time, even if God's presence is not there. शिमशोन सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ्य और अभिषेक से इस्तेमाल किया गया, पर उधर हम पढ़ते हैं पवित्र आत्मा निकल गया फिर भी उसके ऊपर सामर्थ्य था, कारण क्यों, वो अभिषेक लिंगर कर रहा था. See, we look at the fact of Samson. Samson was used very powerfully by God because of the anointing and the glory of God. But if you see, such a time came in Samson's life because of his disobedience, the glory of God left him, the presence of God left him. But still, he was used by power because the anointing lingered upon his life. Amen. Amen. कितने लोग सुन रहे हैं? I mean, if you're listening. अभिषेक रहेगा. पर परमेश्वर नहीं रहेगा तो भी अभिषेक रहेगा. Even if God's presence is not there, the anointing lingers. शक्तिशाली से शिमशोन उसके बाद भी इस्तेमाल किया गया, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जाना ही नहीं, पवित्र आत्मा कब निकल गया. See, so powerfully God, Samson was being used even after the, but we see that Adam, that Samson never even knew that the God's presence had left him. उत्पत्ति 5 उसका 5. Genesis 5:5. इस प्रकार आदम का कुल आयु 930 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वो मर गया. So all the days that Adam lived were 930 years. पर जब वो पाप किया तो क्या हुआ, परमेश्वर की संगति, परमेश्वर के साथ जो परमेश्वर की महिमा था वो निकल गया. When he Samson no उत्पत्ति आदम की बात कर, Adam 5 नहीं, Genesis 5:5 says that Adam lived for 930 साल जिया. फिर वो मरा 930 साल जिया. क्योंकि परमेश्वर के अभिषेक था, because God's anointing was still लिंगिंग ऑन हिम. उपस्थिति निकल गया, the presence of God left him.
कई जगहों पर क्रूसेड होता है, हफ्ता हफ्ता उस शहर में अभिषेक और चंगाई होते रहते हैं, वो अभिषेक करता है, पर परमेश्वर के अभिषेक में भी सामर्थ है। कितने लोग समझ रहे हैं क्या बता? See some places when the crusade take place, when the glory of God comes there, and when the person leaves and go, that but the anointing linger. They do it. The lot of signs, but a miracle still going on happening in that place. वो अभिषेक करता है. That is anointing that is doing that work. अभिषेक भी कार्य करता है, पर परमेश्वर की मैं इसलिए अभिषेक में कई लोग बोलते, कई लोग मैं सुनता जब वो क्रूसेड करके आते हैं बहुत थक जाते हैं, क्योंकि अभिषेक में प्रभु आपको इस्तेमाल करता है, आप कार्य करता है, समझ रहे हैं? और महिमा में परमेश्वर कार्य करता है। अगर आप महिमा में रहेगा आप थकेगा नहीं, क्योंकि उधर अभिषेक नहीं, प्रभु की उपस्थिति, प्रभु कार्य करता है, आप थकता नहीं। कोई सुन रहा मुझे? See, many times I see my great men of God when they go for crusade, they come back. They said, "Oh, I get so tired, brained out by the time I finish praying for people, the anointing, because the anointing wears off, it lingers for some time. But there's no glory of God there. It's the anointing that is carrying." इसलिए मैं पिछले हफ्ता बता रहा था। It's very important to have the glory, because glory of God, you will not be tired because God is doing it. Amen. The anointing, God will use you. आपके द्वारा प्रभु करता है, महिमा में प्रभु खुद कार्य करता है, बस आप खड़ा रहते हो। जोर से बोलो, मैं सिर्फ खड़ा रहता हूँ। फिर आप कितना भी करेगा, फास्टिंग लेगा, प्रार्थना करेगा, कितना भी करेगा, आप थकेगा नहीं, क्योंकि आप नहीं, प्रभु कर रहा है। When you are in the glory of God, no matter how much you do, you fast, you pray, you work, the miracles and nothing happens to you. It's all the way God is going to do everything. पहला कोरिन्थियों 1 उसका 19 129 ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के समान घमंड ना करने पाए, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहराया, अर्थात धर्म, पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे तो प्रभु में घमंड करे। The no flesh shall glory in the presence, but of him you are in Christ Jesus, who became for us wisdom from God, and the righteousness and sanctification and redemption. Amen. He who glory, let him glory in the Lord. It's written. अभिषेक एक जगह और महिमा एक दूसरी जगह। The anointing is one side, but the glory of God is another side. अभिषेक आपको next level लेके जाता है महिमा में। The anointing takes you to the next level in glory. Praise the Lord. वो शुरुआत होता है विश्वास से, आस्ते आस्ते जब विश्वास करते हैं, विश्वास के द्वारा बड़े बड़े कार्य करता है प्रभु, आपको अभिषेक करता है, और जब अभिषेक के लेवल को आप एक लिमिट क्रॉस करता है, तो फिर आप महिमा में प्रवेश करता है। It all begins with anointing, it goes on, but once the anointing leaves, comes to such a level, then the glory of God takes over. पहला योहन्ना 2 उसका 16 1 John 2:16 क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिट जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहता है। 1 John 2:16 says, "For all that is in the world, the lust of the eye, lust of the flesh, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. And the world passes passing away, and the lust of it. But he who does the will of God abides forever." Amen. Amen. परमेश्वर की महिमा जहाँ पर उधर जीवन है। Where the glory of God is, there is life. मौत जहाँ पर है उधर महिमा की absence है, महिमा नहीं। Where there is death, there is absence of glory. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. कितने लोग सुन रहे? How many people sing? Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. वापस बोलता हूँ, जहाँ पर महिमा है उधर जीवन है। Let me say again, where there's glory, there is life. इसलिए परमेश्वर की महिमा से आप भर जाएंगे, आप बीमार हो ही नहीं सकते। Therefore, when you're filled with the glory of God, you cannot be sick. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. इसलिए हमारा देखो, अब्राहम को इतना इंटेलिजेंट था। Abraham was so intelligent. पर सारी मानव जाति गिरने के वजह से। Because of the fallen world of man fallen man. आज लोग बोलते हैं मनुष्य की एवरेज माइंड 3-5% इस्तेमाल होते, बाकी 95% ब्रेन इस्तेमाल नहीं होते। People, the scientists say that only the 3%, 4% of the brain is being utilized. The remaining balance of
94-95% of the brain is not being utilized by man. Romeo ka kitab kehta hai 12 uska 2. Romans 12:2 says. Kitna log sunna bada dhyan se sunna. Listen carefully what I'm saying. Is sansar ke sadasya mat bano परंतु तुम्हारे मन के नए हो. हमारा मन नया करने का है. Therefore say, therefore do not be conformed to the pattern of the world, but be by the renewing of your mind. That means we must renew our mind. हमारे मन नया करने का. We have to renew our mind. वचन के द्वारा परमेश्वर की महिमा के द्वारा. The word of God, to the glory of God. वरदानों में दो वरदान क्या है? बुद्धि और ज्ञान का. Therefore among the 9 gifts of the Holy Spirit, 2 gifts are the gift of wisdom. Gift of knowledge. आपका माइंड बहुत पावरफुल है. Your mind is very powerful. कितने लोग हाथ रख के बोलो मेरा माइंड बहुत पावरफुल. Place your finger on your brain and say my mind is so powerful. आप जो सोचता वो आपके जीवन में होता. What you think will start happening in your life. इसलिए आप समझने का आप क्या सोच रहे हैं. You should know what you're thinking. आप मन में स्वर्ग देखेगा पक्का स्वर्ग जाए. In your mind if you think heaven you will go to heaven. आप मन में देखता मैं यीशु मसीह जैसा जीऊंगा तो आप पक्का यीशु मसीह जैसा जिएगा. In your mind if you think that I'm going to live like God, you live like God. Hallelujah. Hallelujah. मनुष्य गिरने के बाद सब कुछ प्रोसेस में आ गया. बीज गिरता है, वो डालिया बनता है, फल आता है. प्रोसेस में आ गया. Then man fell. Everything went into a pattern or process, just like a seed falls, grows up, bears fruit. उत्पत्ति 8:22. Genesis 8. अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, तब तक बोना और काटने के समय, ठंडा तपन तपन धूप काल और शीत काल दिन और रात निरंतर होता चला जाएगा. जब गिरा मनुष्य ये निरंतर प्रोसेस में आ गया. Genesis 8:22. While the earth remains, seed time and harvest, cold and heat, and winter and summer, day and night shall not cease. That means when man fell, everything fell into a pattern. Like it's a seed time, then there's a harvest time, everything, day, the night, the summer, winter, all this came into a pattern. ये धरती परमेश्वर ने श्रापित किया, मनुष्य को श्रापित किया. Because God cursed the earth, पुरुष को श्रापित किया. God cursed the man and the woman. स्त्री को भी श्रापित. इसलिए हर बहन, हर स्त्री जब बच्चा पैदा करते हैं, वो दर से प्राप्त, वो श्रापित है. Man, God also cursed the woman. Therefore, woman in the childbirth goes through a lot of pain and trouble. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. धरती, seed, time और harvest में आ गई. Earth fell into seed time and a harvest time. एक समय seed और harvest नहीं, immediately सब कुछ होता था, fertile ground था. वही जमीन क्या हो गया? श्रापित हो गया. Amen. See, previously there was no stages for it. The moment the seed would be put, it just flourish. Amen. There was no process. It was immediate. Flourishing and sowing and reaping was immediate. Because it was all in the glory of God. But the man fell and fell short of the glory of God. When the glory left, what happened? He had to go through a big, long process. Amen. So seed time, then harvest time, and so and so. उसी तरह परमेश्वर वापस हम सबको अभिषेक कर रहा, महिमा से भर रहा है, ताकि instantly miracle होने वाला है. कितने लोग विश्वास करें? Do you know God is once again restoring all that? So when we are anointed, immediately there will be miracles and signs. Amen. परमेश्वर हमें चमत्कार करने की सामर्थ्य दिया है. God has given us power to do miracles. उसकी महिमा काफी है. His glory is enough. उसकी महिमा जब manifest होता ना स्वर्ग में, इसलिए कुछ भी बात को इंतजार नहीं करने का, सब कुछ इंस्टेंटली होगा. Amen. Therefore in heaven we don't have to wait there. It is instant, immediate. Amen. Like your instant coffee. Instant coffee. एक प्रेस में कॉफी आ गई. One press is water coffee. Hallelujah. एक प्रेस में कोको कोला आई है. One press coco cola cup. पर कॉइन डालने पड़ेगा. What is put the coin? उधर कॉइन नहीं, उधर अभिषेक काफी, महिमा काफी. हाँ, in heaven you don't need coin, you need only the glory of God filling up the place. Amen. Amen. Natural में सब कुछ process में होता है, पर supernatural में instantly होता है. In natural everything goes into a process or the stages. But in the glory of God in heaven everything is instant. Amos 9 uska 13. Amen. Amos 9:13. Amos ki kitab 9:13. Amos 9:13. Before Obadiah Nahum. After Joel. Mika. Chote chote bhavishyatam Yona. Yona Mika Obadiah. Okay. Yona ka pehle. After Joel. योना का पहले है कौन सा है? ओबदिया 9:13. No.
9:30 यहोवा की यह भी वाणी है, देखो ऐसा दिन आते हैं हल जोतने वाला लवने वालों को दाख रोने वाला बीज बोने वालों को जा लेगा और पहाड़ों से नया दाख मधु टपकने लगेगा और सब पहाड़ियों से बह निकलेगा. When the plow man shall overtake the reaper and the rear and the treader of grains who sows seeds, and the mountain shall drip with sweet wine and all the hills shall flow with it. Amen. ये सब instantly होगा. See, this is what is talking about instant. Amen. अबुद्धि निवाने आने वाला प्रभु की अभिषेक और प्रभु की महिमा instantly कई बातों को करेगा. Talking about the days are coming. We are in that days that the glory of God is going to fill and things are going to happen instantly. कितने विश्वासी लोग विश्वास करेंगे? How many of you will believe this? ऐसा supernatural होगा. It's going to be just supernatural. आपकी bank account में आप प्रार्थना करेगा टपा करके 1,00,000 गिरेगा. You're doing your bank on, you will pray and there'll be a miracle money just there, lakhs of money will come. आप प्रार्थना करेंगे कर्ज जो करोड़ों है instantly cancel हो जाएगा. When you pray, the debts which are in crores will instantly be cancelled. Hallelujah. Amen. This is awesome. कितने लोग विश्वास करें परमेश्वर कुछ भी कर सकता है. God can do anything. Supernatural परमेश्वर को समय important नहीं, supernatural वाला परमेश्वर की महिमा काफी है. You see, a supernatural God, the time is not very important or immaterial. See, time is immaterial. So he does everything instantly in glory of God. एक बहन हमारे पास आए तो वो गवाही लेके, माय गॉड पावरफुल गवाही, करोड़ों उनका घर का है. याद है केरला वाला बहन, बताओ करोड़ों का कर्ज था, करोड़ों का कर्ज था, उसका घर घर नीलामी होने वाला था, ऑक्शन होने वाला था बैंक के द्वारा. एक ही दिन में सारा करोड़ों का कर्ज मिटा दिया, किसी को मालूम नहीं पड़ा. Just give that gawai. This is an awesome testimony. ये बहुत ही अद्भुत गवाही. I remember a sister came to us and gave her testimony. एक बहन आके गवाही दी. She was in a plain Christian family. They were Catholics. अब वो कैथलिक्स थे, एक विश्वासी भी नहीं था. Yes, and what happened is that they were in great, their father was a big businessman in Bangalore. और उसका पिताजी बहुत बड़ा बिजनेस था, बिजनेसमैन था. And he had a lot of money. और वो बहुत पैसा था. But somebody cheated him. और किसी ने उसे धोखा दिया. And he went on lot of loss and debts. और बहुत ही कर्ज और कर्ज में चला गया. And they came to such a state they had nothing left in their hand. और वो उनके जीवन में ऐसा समय आया कि उसके पास कुछ नहीं, सब कुछ. And the bank was coming to seal their house also, big house. और उसका बैंक जो जिससे लोन लिया था वो सारा आके सील करने वाला था. Okay, and at that point, her father said they were I think they were 4-5 children, their family. उनके घर में 3-4 बच्चे थे, माँबाप थे. And the father decided. और उसके पिताजी ने निर्णय लिया. This Sunday we are going to die. और इस संडे हम जहर खा के मर जाएंगे. We'll take poison. I'll give you a lot of poison. We'll all eat and die. और हम सब जहर खा के मर जाएंगे. And so that Sunday came, they started preparing for dying. और वो तैयार किया पूरा परिवार जहर खा के मरने के लिए. As he was about to do the thing. और जैसा ये करने वाला था. The neighbors came and knocked the door. और पड़ोसी आकर उसके घर में दरवाजा ठोका. And she said, that sister came and told, please sister, can you come to my house? There is some prayer going on. Will you please come for some time? हमारे घर में एक पास्टर आया, हमारे घर में प्रार्थना हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि आप, वो पास्टर आपको बुला रहे. He said, she looked at her husband later. और उसका पति ने बोला बाद में माई. But then she said, no, please, you have to come now. और उस बहन ने छोड़ा नहीं, उसे जबरदस्ती प्रार्थना में लेके गया. And then the sister went, the wife went. और वो उसका घर का मिसेस गया. And when she went there, she was taking long time and they were waiting to go and eat the poison and die. अब ये पति और उनके बच्चे बैठे थे पॉइजन खा के मरने के लिए, क्योंकि वो बहन आने के लिए इंतजार कर रहा था. And finally he got tired, he went to the neighbor's house and knocked. और उसने जाकर उसके पड़ोसी के घर में खटखटाया. And he went in and said, what is this? Why is taking so much? And he saw his wife was crying and the pastor was saying something. The wife was crying. और वो पति देखा अपने पत्नी इतना रो रहा था, पास्टर कुछ उसको बोल रहा था. And she said, what happened? और उसने पूछा क्या हो गया. And the wife explained to him. और उसके पत्नी ने उसे बताया. This pastor had a vision of us going to die, eat poison and die. ये पास्टर को हम लोग मरने की दर्शन प्रभु दिखाया. And therefore he came quickly to tell us to stop them from doing what they're doing. और पास्टर ने इसलिए आया उस घर में प्रार्थना करने के लिए ताकि उसे रोके. Perfect plan for their life. और परमेश्वर उसके जीवन में अच्छी प्लान बना के रखा था. And they prayed for their debts and everything and then they went back. अब वो प्रार्थना किया कर्ज के लिए, वो चला गया पास्टर.
Okay, and then afterwards, the day when the bank people are going to come and see, they were waiting in the window. और उनके दरवाजे विंडो पर खड़ा होकर देख रहा था, उनके बैंक वाला आकर सील करने वाला था. And the bank man, they knew the person, the bank was coming everywhere. But when as they came to their house, from their house, from their way, he just passed and crossed over and went away. और जो बैंकर्स आया था सील करने के लिए, वो आया था घर घर, पर उनके घर के पास से वो वापस चला गया. And they were wondering what happened. Why didn't they come and seal our house? अब वो परिवार सोच रहे थे क्या हो गया, वो आकर हमारे घर को सील क्यों नहीं किया? Okay, to make the story short. उस कहानी को छोटा करते हुए. The father went to the bank and told them, see, our name is in the list, please for check out, but you are not come and sealed it. अब वो बैंक में जाकर चेक करने लगा, उसका घर लोन था इतना, वो जाकर जब चेक किया. The crores of money debts, and when they search in the list of his name to be sealed. और उसका नाम जो बैंक के लिस्ट में था करोड़ों का कर्ज में. They said we are not finding your name is not at all there. They were not checking and checking, but no name. और उसका नाम था ही नहीं था उस लिस्ट में. And he was surprising that no debts, you have no debts against the bank. और उसने बैंक वाले ने कहा आपका कोई कर्ज नहीं हमारे बैंक. He was so happy. वो कितना खुश हो गया. All his debts were cancelled in just one day. करोड़ों रुपया का कर्ज एक ही पल में, एक ही दिन में. That's a miracle working God that we serve. वही है हमारा परमेश्वर, महिमा वाला परमेश्वर. आमेन. कितना लोग विश्वास करें, हमें सुनने वाले भाई बहन चलो, आज आपके लिए असंभव है. आज आपके लिए असंभव है, में भी पर प्रभु की महिमा काफी है इंस्टेंटली असंभव को संभव करने के लिए. टू मेक अस द इंपॉसिबल इनटू पॉसिबल. हालेलुया हालेलुया. कितने लोग सुन रहे, जो आदम अव्वा ने खो दिया था. What Adam and Eve had lost. अब वो यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला. But we got it through Jesus Christ back. Amen. परमेश्वर ने उसकी महिमा को हमारी द्वारा प्रकट करना चाहा. God wanted to reveal and manifest His glory through us. Matthew 1:23. कितने लोग सुन रहे हैं और समझ रहे हैं क्या understanding what I'm saying. अगर इन बातों को समझेगा. If you understand what I'm saying, दिन भी निराश नहीं होंगे. You'll not be sad. देखो एक कुमारी गर्भवती होगा और एक पुत्र जनेंगे, उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर मेरे साथ है. Behold, a virgin shall be with child and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which is translated as God with us. परमेश्वर मेरे साथ है. God is with us. कमान जोश से बोलो परमेश्वर मेरे साथ है. Say God is with us. चिल्ला के बोलो परमेश्वर मेरे साथ. Say shout loudly God is with us. कितने लोग बोलते हैं परमेश्वर मेरे साथ. How many of you are saying God is with us? Emmanuel परमेश्वर मेरे साथ. Emmanuel God is with us. Amen. Amen. वो हमारा परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा गिफ्ट के तौर से दिया है. God has given us a Holy Spirit as a gift to us. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. पुराने नियम में कई लोगों को प्रभु इस्तेमाल किया उसकी उपस्थिति से. Amen. The Old Testament God used many people through His presence. पहला व्यक्ति हम देखते हैं प्रेरितों के काम 7 उसका 2. Acts chapter 2 7 verse 2. Acts 7. प्रेरितों के काम 7 उसका 2. Acts 7. स्टीफनोस ने कहा, ये भाई पितरों सुनो, हमारा पिता अब्राहम हारान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया था तो तेजो में परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया था. And he said, men and brethren and fathers, listen, the God of glory appeared to our father Abraham when he was in Mesopotamia, before he dwelt in Haran. Hallelujah. तेजो में परमेश्वर प्रकाशन दिया अब्राहम को. God gave revelation to Abraham. इसलिए अब्राहम सबसे धनवान वाला व्यक्ति बना. Therefore, through the revelation, Abraham became the most wealthiest man. 100 साल के उम्र में भी बेटा नहीं था, पर प्रभु ने उसे संतान दिया. At the age of 100, which was impossible, God gave him a son. आज वो राष्ट्र का पिता कहलाता है. Now he is called the father of nation. दूसरा. Second. इस्राएलियों के सामने और जब वो मिस्रेम से निकला था, हर रोज रात को अग्नि की खंबा और दिन को बादल की खंबा था. When the Israelites set out from Egypt to go to the promised land, we see how God was present with them in the cloud of glory in the morning as a pillar of fire in the evening. Nirgaman 13 uska 21. Exodus 13:21. Nirgaman 13:21. Exodus 13:21. यहोवा उन्हें दिन में दिन की मार्ग दिखाने के लिए मेघ का खंबा और रात की उजियाला देने के लिए आग के खंभा में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात दिन दोनों में चल सकते थे. And the Lord went before them by day in a pillar of cloud
to lead the way, and by night in a pillar of fire to give them light. Shekhinah glory unke saath. To go by day and night. That was the Shekhinah glory of God with them. Shekhinah matlab dwelling place of God. Shekhinah means Hebrew word means the dwelling place of God. Parmeshwar ki upasthiti unke saath. Their God's presence was with them. Amen. Amen. Parmeshwar ki mahima Yeshu Masih ke dwara prakat hui. God's glory was manifested through Jesus Christ. My God, wo agar jaan jayenge na aapka jeevan hamesha badal jayega. It's going to change your life forever. Yohanna 1:14 vachan dehari wo. John 1:14 the word became flesh. और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया. Dwelt among us. हमने उसकी महिमा ऐसी देखा जैसा पिता की एकलौता महिमा है. And we behold his glory, the glory as of the only begotten of the Father. Amen. Amen. यीशु मसीह आया बहुत से कार्य करने के लिए, पर एक कार्य था परमेश्वर की महिमा को हमको और आपको प्रकट करने के लिए. Jesus came for many purposes of God, but one of the main purpose that he came to earth was to manifest the glory of God in us. Amen. Amen. वो मरा कैलवरी क्रूस पर, on the cross of Calvary, गाड़ा गया, was buried, तीसरे दिन जी उठा, rose up again. आज वो महिमा से भरा हुआ. Today is filled with the glory of God. अब वो पवित्र आत्मा दिया ताकि हम महिमा में चलें. And Holy Spirit is given to us to we can see the glory. यीशु मसीह, इसलिए मैंने बोला यीशु मसीह और क्रूस ही आपको supernatural में ले चलेगा. Therefore I said Jesus and the cross only can take you to the glory, supernatural. यीशु मसीह हमें वापस आदम और हव्वा को दिया वाला महिमा में हमको ले चलता है. Jesus Christ restores and takes us back into the glory which Adam and Eve received. ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, मैं तेरे पास आता हूँ, पवित्र दिल से आराधना मैं करता हूँ, प्रेमी मन से मैं तेरे पास आता हूँ, पवित्र दिल से आराधना मैं करता हूँ, प्रेमी मन से तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास. यीशु मसीही जो आदम एडन वाटिका के अनुभव हमें यीशु मसीह देता है क्रूस और यीशु मसीह के द्वारा. Only Jesus can get us into the glory which was there in Adam Garden of Eden through the cross. इब्रानियों की किताब 2:9-10. Hebrews 2:9-10. पर हम यीशु जो स्वर्गदूत से कुछ ही कम किए गए थे, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर के मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर ने अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखा. But we see Jesus, which was made a little lower than the angel, for the suffering of death, crowned with glory and honor, that he by the grace of God might taste death for everyone. क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है, जिसके द्वारा सब कुछ है, उसी से यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों की महिमा के पहुंचाने को तो उनके उद्धार की कर्ता के दुख उठाने के सद द्वारा सिद्ध करे. For it was fitting for him, for whom are all things, by whom are all things, in bringing many sons to glory, to make the author of their salvation perfect through suffering. परमेश्वर की यीशु मसीह की सफरिंग के द्वारा, उसकी मौत के द्वारा, उसकी जी उठने के द्वारा हमको परमेश्वर महिमा में ले चल रहे. Jesus through the suffering, his death and resurrection, he brought us into the glory of God. यीशु मसीह जो था वो परमेश्वर का सामर्थ, स्वभाव, सब कुछ, अधिकार, अनुग्रह,
सब कुछ यीशु मसीह में था. We see in Jesus was the fullness of glory, the authority, power, everything. The fullness of God, glory was inside Jesus Christ. जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करेगा वही सामर्थ, वही अधिकार, वही अभिषेक, वही महिमा प्रभु हमें ट्रांसफर करता है. Amen. Those who believe in Jesus Christ, that is you and I, the same glory, same authority, same power, same blessing, everything would be transferred into our account. कितने लोग विश्वास करेंगे? How many believe this? आपको कुछ खर्च नहीं, विश्वास करने वालों से सब कुछ संभव है. Everything is possible those who believe in God. है कोई मेरे साथ? कितने लोग विश्वास करेंगे? Will you believe this? जो कुछ इसलिए यीशु मसीह कहा मैं जो किया इससे बढ़कर तुम लोग करेंगे क्योंकि वही पावर आपके साथ. Therefore Jesus said, whatever I did, you will do greater work than these you do, because the same power, same glory, same authority, same miracle working power is within us. वही पवित्र आत्मा जिसको यीशु मसीह को मुर्दों में से जिला वो मेरे और आपके साथ. The same spirit that raised Jesus Christ from the dead dwells in you and me. यूहन्ना 14 उसका 21. John chapter 14 verse. जिसके पास मेरी आज्ञा है वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है. जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा, अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा. My God. It says he has my commandments and keeps them. It is he who loves me and he who loves me will be loved by my Father and I will love him and manifest myself to him. कितने लोग प्रभु की महिमा को देखना चाहते हैं? How many people want to see the glory of God? से प्रेम करो. Just love God. यीशु आपका सब कुछ होने दे. Let God be everything for you. आपका स्वभाव, आपका देह, आपका 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 नौकरी, आपका सब, आपका परिवार, your work, your family. यीशु का होने दे. Let it be God's. Amen. Amen. जो उस पर विश्वास करता है सब believe in Jesus 100%. यीशु मसीह जैसा है आप और हम होते जाता है. Jesus is, you and I will become like. यीशु मसीह मेघों पे आने से पहले जैसा यीशु मसीह वैसा हम बनते जाएंगे. Just Jesus before Jesus comes in glory as Christ is, so we shall go on becoming like. Come on, मेरे साथ बोलो, मैं अंश में यीशु मसीह जैसा पवित्र आत्मा के द्वारा बदलते जाएं. God by the Holy Spirit, I'm becoming like Jesus little by little. यूहन्ना 14 उसका 22. John 14 20. उस यहूदा ने जो इस्करियोता ना था उससे कहा, हे प्रभु क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं? Judas not Iscariot said to him, Lord, how is that you want you will manifest yourself to us and not to the world? तब यीशु कहता है, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरा वचन नहीं मानता. जो वचन तुम सुनाते हो वह मेरा नहीं वरना पिता का है जिसने मुझे भेजा है. And Jesus answered and said to him, if anyone loves me he will keep my word and my father will love him but we'll come to him and make our home with him. Amen. Who does not praise the Lord. परमेश्वर की बलिदान यानी कि कुर्बानी के द्वारा with God's sacrifice, that is sacrifice, यीशु मसीह की कुर्बानी के द्वारा, through the sacrifice Jesus on the cross, यीशु मसीह की मौत के द्वारा, through the death of Jesus on the cross, जो आदम और हव्वा को परमेश्वर दियो वही महिमा प्रभु हमें वापस लौटाया. The same thing with Adam and Eve law, the same glory Adam is God is Jesus want to bring it back, restore into our lives. ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है. This body is God's temple. ये शरीर परमेश्वर की मंदिर है तो परमेश्वर इसमें वास करता है. If this body is God's temple and the Holy Spirit, the God dwells in us. Amen. Amen. अगर परमेश्वर मेरे शरीर में वास करता तो मैं बिना बीमारी में जीऊं. If God dwells in me, I can live without sickness. अभिषेक एक लेवल है, महिमा उससे कई गुना अधिक लेवल है. Anointing has one level, but the glory of God has a very different high level. हमको उस नॉलेज परमेश्वर की महिमा तभी हो सकता है जब हम हमारी आंखें खुलेंगे. The glory of God will only recognize it when my eyes are opened. परमेश्वर की महिमा उपलब्ध है पर वही लोग उस पर प्रभावशाली होगा जब उसकी आंखें खुल जाएंगे. The glory of God is available for us but only they can see whose eyes are open. परमेश्वर की महिमा पूरा धरती में कब्जा किया. The glory of God has totally conquered the entire world. जब आदि में हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 1:2 Genesis. आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की. In the beginning God created the heaven and the earth.
आप पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, अर्थ वाज वॉइड इन गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, एंड द स्पिरिट ऑफ गॉड परमेश्वर के आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा है, द डार्कनेस वाज ऑन द फेस ऑफ द डीप, पूरा धरती में परमेश्वर की आत्मा यानी कि परमेश्वर की महिमा मंडरा रहा है, द स्पिरिट ऑफ गॉड इज होवरिंग ओवर द फेस ऑफ द वाटर्स, पर वही पाएंगे जिसकी आंखें खुली जो उत्साहित है, द होली स्पिरिट इज होवरिंग ओवर द एंटायर अर्थ बट ओनली दे कैन रिकॉग्नाइज द ग्लोरी हुज आइज आर ओपन, आमेन आमेन। आज अगर आपकी आंख खुलेगा परमेश्वर की महिमा को देखेगा, सी द ग्लोरी ऑफ गॉड, इंस्टेंटली आपकी डेप्थ कैंसिल होगा, इंस्टेंटली आपकी बीमारी नष्ट हो जाएगी, योर सिकनेस विल बी डिस्ट्रॉयड, आपकी परेशानी इंस्टेंटली योर प्रॉब्लम खत्म कर देगा, टोटली फिनिश, आमेन आमेन। कितने लोग विश्वास करेंगे? इफ यू बिलीव दिस, यशायाह 6 उसका 3, यशायाह 6 Chapter 6 verse 3. Eshiya ke kitab 6 uska 3. Isaiah 6 3. वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र, सारी पृथ्वी पर उसके तेज से भरपूर है. And one cried to another, said, Holy, holy, holy is the Lord God of hosts. The whole earth is full of his glory. सारा धरती परमेश्वर की महिमा से भरा हुआ है। We know the whole entire earth is full of the glory of God. पर जो विश्वास करेगा यीशु मसीह पर, those who believe in Jesus Christ, उन पर प्रभु इन दिनों में प्रकट करने वाला। In them, on them, God will manifest जो पवित्र आत्मा को और वचन को फॉलो करेगा, those who follow Holy Spirit and God's word, परमेश्वर की महिमा को देखेगा, they will see the glory of God. कोलोसियों 1 उसका 29, 129. Colossians 1:29. Colossians 1:29. इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ के साथ प्रभाव डालती है तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ. To the end I also labor, striving according to the working which works in me mightily. परमेश्वर की महिमा में सारी एनर्जी, ये जगत और कोई फोर्स आपको नहीं देता, परमेश्वर की महिमा आपको एनर्जी देता है. दिस वर्ल्ड एंड एनी फोर्सेस और एनर्जी कैन नॉट गिव यू दिस ग्लोरी, ओनली गॉड्स ग्लोरी कैन कम. ये जगत आपको फोर्स और सोर्स और एनर्जी नहीं, ये जगत आपको परमेश्वर जो दिया है, अभी सूर्य वो एनर्जी वो जो परमेश्वर दिया वही दे सकते, उसके बाहर कुछ नहीं दे सकते. दिस एनर्जी फोर्स कैन डू नथिंग नाउ, सन whatever the energy and power is in that is only god given, only that Kailo, it can function. ये बाइबल के वचन बोलते हैं अंदर से सामर्थ्य, अंदर से कोई सामर्थ्य नहीं, अंदर अगर पवित्र आत्मा रहेगा तभी वो सामर्थ्य आएगा. Some people say there is some energy and power within us will do great things, but there's no energy and power within us, it's only what god has invested and deposited. मेरा अंदर पवित्र आत्मा है इसलिए मेरे बाहर सामर्थ्य आएगा. The holy spirit is within me, therefore the glory of god manifests outside. Come on, जोर से हाथ रख, बोलो मेरे ऊपर पवित्र आत्मा इसलिए. Place your hands on your head and say because the glory of god प्रभु की सामर्थ्य प्रकट होगा. Therefore the glory of God will be manifested outside. Hallelujah. Hallelujah. कितने लोग सुन रहे हैं? I'm for understanding. परमेश्वर की उस महिमा को परमेश्वर की ज्ञान से ही पहचान पाएंगे. The glory of God can only be manifested by the knowledge of God. तभी चमत्कार और क्रिएटिव मिरेकल्स होने लगेंगे. Then the miracles, creative miracles and can happen. परमेश्वर की महिमा चारों ओर है पर वो उसी पर प्रकट हो रहा है जिस पर परमेश्वर के ज्ञान और don't even manifest it where the glory of God is there. हबकुक 2 उसका 14. Oh, shall we fill with the glory of God? हबकुक 2 उसका 14. Habakkuk 2:14. यहोवे लामोस ओबद्याह मीका नामुक हबाकुक नाहुम के बाद 2:14 क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा की ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है. The earth shall be filled with the glory of God as the waters cover the sea. Amen. Amen. Hallelujah. परमेश्वर की ज्ञान और परमेश्वर के अनुभव मेरे साथ रहेगा तब हम परमेश्वर की महिमा को देखेंगे. Then God's knowledge and God's experiences within us, then we'll see the glory Ephesians of God. Ephesians 1 verse 17. कितने लोग वचन लिखे रहे? क्रम में अनुसार आप लिख के पढ़ते रहेगा, सुनते रहेगा. Writing it, if you can write it on the number wise, it will be a blessing for you. Ephesians 1 verse 17. Ephesians 1:17. कि हमारा प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे.
And the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and revelation, the knowledge of Him. परमेश्वर की ज्ञान मुझ पर तभी प्रकट होगा जब मैं उसे आज्ञाओं को मानेगा, प्रैक्टिस करेगा, एक्सपीरियंस करेगा. The glory of God will only be manifest in my life when I experience it, when I receive it. कितने लोग सुन रहे हैं? परमेश्वर की महिमा सब जगह है. उसकी ज्ञान हमें, जब हम ज्ञान प्रभु का अभी जब वचन सुन रहे हैं, आप पहले बार ये वचन को सुन रहे हैं, आप उसे ओबे करेगा, उसे एक्सपीरियंस करेगा, तब प्रभु की महिमा आप पर प्रकट होगी. Maybe first time you're hearing this word, but when you experience it, then glory of God will be manifested. बार बार आप बोलेगा. If more and more you keep on saying, परमेश्वर मेरे द्वारा अपनी महिमा प्रकट करेगा. The God will reveal His glory. परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर है, परमेश्वर की महिमा प्रकट हो रहा है. The Holy Spirit is within me and the glory of God will manifest through me. Amen. परमेश्वर की आत्मा मेरे द्वारा परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर रहा है. The Lord within me will reveal and manifest the God's glory outside. जब आप डाउट नहीं करेगा, you will not doubt. जब आप विश्वास करेगा, you believe it. अभिषेक आपके साथ हो, His anointing is with you. आप उसकी महिमा से भर जाएंगे. You will be filled with the glory of God. चमत्कार होता जाएगा. हालेलुया. परमेश्वर आपको विजिट करेगा. God will visit you. आदम के पास हर रोज से हमको परमेश्वर जाता था. Every night God would go to Adam. हर रोज प्रभु आपसे मुलाकात करेगा. Every day God will meet with पवित्र आत्मा के साथ एक एनकाउंटर होगा. You will have an encounter with God. आप फिर प्रभु की उपस्थिति में घंटों बैठेगा तो पता नहीं पड़ेगा, पल भर में निकल जाएंगे. You will sit hours in the presence of God. You will not even know. You will just be feeling it's just a spur of a moment. परमेश्वर की महिमा कैसे प्रकट होता है? How will the glory of God be manifested? पहले हमको परमेश्वर की इच्छा जानने का. First of all, we should know the will of God. 14 उसका 23. John 14:23. परमेश्वर की इच्छा क्या है? What is God's will? Come on, जोर से पूछो ना, परमेश्वर की इच्छा क्या है? Ask somebody, what is God's will? 14 उसका 23. 14. यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखोगे तो मेरे वचन को मानोगे, मेरे पिता उससे प्रेम रखेंगे, उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे. Jesus answered and said to him, if anyone loves me, he will keep my word, and my father will love him, and we will come to him and make our home with him. Hallelujah. परमेश्वर की इच्छा. God's will. दूसरा, परमेश्वर की sovereignty, ईश्वरता. Second is the sovereignty of God. Ecclesiastes 8 उसका 3. Ecclesiastes 8:3 सबुपदेश. सबुपदेश. So Ecclesiastes 8:3. 8 उसका 3. 8:3. Sorry. राजा के सामने से उतावली के साथ ना लौटना, ना बुरी बात पर हटा करना, क्योंकि वह जो कुछ चाहता है करता है. वह जो कुछ चाहता है वो करता है. Sovereignty. वो जो कुछ चाहता है वो करता है. Do not be hasty to go from his presence. Do not take your stand on for any evil thing, for he does whatever pleases him. Amen. तीसरी बात, जो परमेश्वर कहता है, third, उसकी आज्ञाओं को उल्लंघन नहीं करते, उसको मानते हैं, और परमेश्वर आपको अभिषेक और महिमा मिले चलेंगे. Whatever God tells you do it, then God's glory will be manifested in you. अभिषेक और महिमा में फर्क क्या है? What is the difference between the anointing and the glory of God? अभिषेक आपको धरती में दिया ताकि आपके द्वारा प्रभु कार्य करता है. The glory of God is given on the earth that God can work through you. जैसा धरती में एयर है, उसी तरह अभिषेक स्वर्ग में है. Just like there is air, there is in this earth air, so also the glory of God. परमेश्वर की महिमा है. That is God's glory. स्वर्ग की एटमॉस्फेयर. That's the atmosphere of heaven. धरती की एटमॉस्फेयर एयर है, स्वर्ग की एटमॉस्फेयर ग्लोरी है. The earth's glory, the atmosphere of earth is dust, no? Atmosphere of earth is hawa. The atmosphere of earth is air. उसी तरह स्वर्ग. The atmosphere of heaven is glory. कितने लोगों को glory चाहिए? Who wants a glory? वो ये air में time based रहता है, time and matter based रहता है. This air is consist of time and matter. पर वो atmosphere time and matter नहीं, eternity हमेशा रहता है. It's not समय और matter नहीं, परंतु अनंत infinitive God है. उसके लिए समय important है. Time and matter and the air. हमारे लिए और आपके लिए प्रभु समय दिए. But the glory of God there is only eternity, अनादि. Amen. Amen. Praise the Lord. कितने लोग सुन रहे हैं? स्वर्ग पूरा परमेश्वर की महिमा से भरा, वो एटमॉस्फेयर महिमा. Heaven is filled with the glory of God. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. कितने लोग सुन रहे हैं? How many fellows sing?
हालेलुया अभिषेक और महिमा द अनॉइंटिंग एंड ग्लोरी आमेन आमेन प्रेज द लॉर्ड अभिषेक में गिफ्ट और फेथ रहता है इन अनॉइंटिंग देयर इज गिफ्ट ऑफ फेथ गिफ्ट एंड फेथ हमें गिफ्ट ऑफ फेथ दिया था कि वो अभिषेक को पाए द अनॉइंटिंग वी गेट द गिफ्ट एंड फेथ दैट वी मे रिसीव द अनॉइंटिंग पर महिमा में परमेश्वर खुद बन जाता है खुद उपस्थित बट इन द ग्लोरी गॉड्स प्रेजेंस आर ही हिमसेल्फ इज प्रेजेंट देयर आमेन आमेन अभिषेक में विश्वास के द्वारा डिमांड करते हैं हम Through the anointing, through the faith, we demand the anointing. इसलिए कई जगहों पर जब मैं प्रचार करता हूँ, घंटों प्रचार करेगा तो मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि वो विश्वास से डिमांड करते हैं, वो अभिषेक में चलता तो आप समझ में नहीं आए। Sometimes when I preach for hours, I don't even know it because I know where the faith demands the anointing to be present. लोग जहाँ पर विश्वास से भरा रहेगा उधर प्रचार करेगा तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा समय क्योंकि आप महिमा में उतर जाते Where the people sit in faith, for hours you'll be preaching and you won't even know the time. कितने लोग सुन रहे हैं? If you understand. Hallelujah. Hallelujah. अभिषेक के साथ यीशु मसीह चंगाई दाता बना Through the anointing, God became यीशु मसीह जीसस क्राइस्ट जहाँ जहाँ यीशु मसीह जाता है उधर चंगाई हो हर व्यक्ति चंगाई जीसस व्हेन दे हैड द अनॉइंटिंग वो अभिषेक था दैट इज द अनॉइंटिंग पर अब महिमा के साथ यीशु मसीह क्रिएटर बन गया थ्रू द महिमा दैट इज थ्रू द ग्लोरी गॉड बिकम्स अ क्रिएटर आमेन अभिषेक में हम प्रभु की आराधना और स्तुति करते हैं इन द अनॉइंटिंग वी वर्शिप गॉड हम जब प्रभु की उपस्थिति आता है फिर हम वर्शिप और नहीं हम आराम करते हैं हम रेस्ट से लेते हैं विश्राम में चले जाते हैं ग्लोरी ऑफ गॉड कम्स इन वी जस्ट रेस्ट कितने लोग को अभिषेक चाहिए कितने लोग को महिमा चाहिए हाउ मेनी पीपल वांट द ग्लोरी कई लोग विश्वासी लोग विश्वास में अटक जाते सम मेनी बिलीवर्स गेट स्टक अप इन फेथ विश्वास से हमको अभिषेक में जाने का अभिषेक से हमको महिमा में जाने From faith we must go to the anointing. From anointing we should further go to the glory. Man, वही व्यक्ति महिमा में creative miracles, even मुर्दों लोग इन दिनों में जी उठने वाला है. कितना लोग विश्वास करेंगे? वो महिमा प्रभु की हम करने वाला. In the glory of God, even the dead will be raised up. How many of you believe that God raised the dead through me? Yes. Amen. I believe it. अभिषेक अभिषेक प्रभु की अभिषेक आता है जब आप आराधना और स्तुति करता है God's anointing come when you worship God. और जब आप आराम करते प्रभु की उपस्थिति होता When you rest, the glory of God, the presence जब प्रभु of God की उपस्थिति से आप भर जाएंगे When you're filled with the presence of God, आपकी आत्मिक कान और आत्मिक आंखें खुल जाएंगे जो प्रभु आपको आत्मिक क्षेत्र में लेके जाएंगे Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. अभिषेक में प्रभु आप जब अभिषेक में चलता है अभिषेक आपको छू जाता है जैसा वो 12 साल से वो स्त्री लहू बहने वाला स्त्री जब वो जाकर प्रभु यीशु के वस्त्र को छुआ उसके अंदर से अभिषेक निकलकर उसको चंगा किया When there is a anointing And you can touch the anointing, right? One yeah. Second. You can touch the anointing and the anointing flow. Just anointing like, bahar nikalta. The anointing flows outside when you touch it. But just like the woman with 12 years of discharge of blood, what happened? She, when she touched the hem of Jesus' garment, Yeshu Masih dekha nahi, par wo abhishek pehchana, koi nahi usse vishwas, kahi log usko chhu raha tha. Par ek hi vyakti saw it, never prayed for her. But she, when she just touched the hem of garments, एक ही व्यक्ति तब विश्वास से छुआ इसलिए यीशु मसीह बोला कौन मुझे छुआ There's only one person who touched through faith. Therefore Jesus looked and said, "Who touched me?" Amen. मत्ती 5 उसका 30. Matthew chapter 5 verse 30. कितने लोग से कई बातों को मैं बोल रहा हूँ लिख के लो इन बातों को write it down. ध्यान करो निरंतर बोलते रहो प्रभु आपको विश्वास विश्वास वाला विश्वास ही नहीं अभिषेक वाला विश्वासी नहीं महिमा वाला विश्वासी बनाने वाला है God will not just make you a believer of anointed believer but he'll make you a glorious believer amen 5 उसका 30 महिमा वाला विश्वासी लोग को प्रभु देख
You are looking, God is looking out for those who want to be filled with His glory. यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरा अंगों में से एक नष्ट न हो जाए, तेरा सारा शरीर नरक में तन डाला जाए. If your right hand causes you to sin, sorry, actually Marcos 5:30 है. Okay, यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि तुझ मुझसे सामर्थ निकली है, और भीड़ में पीछे फिर कर पूछा, मेरे वस्त्र को किसने छुआ है. Mark 5:30 says, and Jesus immediately, knowing in himself that the power had gone out of him, turned around the crowd and said, who touched my clothes? Amen. Amen. इन दिनों में परमेश्वर उन लोगों को तैयार कर रहा है जो महिमा वाला विश्वासी है. These days God is preparing those people who are people of glory. मैं बोल रहा हूँ हजारों लोग यीशु मसीह के पीछे आ रहे हैं. Thousands of people were flocking with upon Jesus. विश्वास वाले विश्वासी. Only the believer who believed. अभिषेक वाला विश्वासी. Anointed believer. महिमा वाला विश्वासी. Glory believer. आपका चुनाव है कौन सा विश्वासी आप बने. Whom do you want to become? Hallelujah. Believer of faith, सब believer of anointing, believer of glory. सब स्वर्ग जा रहे हैं. All are going to go to heaven. महिमा वाला विश्वासी इस धरती में चिन्ह और चमत्कार करने वाला. Only the believer of glory is going to do signs, wonders, miracles, and healing. Amen. Amen. महिमा वाला विश्वासी को हमारा एफर्ट नहीं, परमेश्वर सब कुछ हमारे लिए करेगा. हमको सिर्फ खड़ा रहना. Believer of glory doesn't have too much work, but only have to rest in the Lord, and God does everything for them. परमेश्वर को भी शरीर चाहिए, दुष्ट आत्मा को भी शरीर चाहिए. See, God also wants a body. Satan, the demons also need a body. 50-50 वाला कोई नहीं है. There's no 50-50. Either. इसलिए यूहन्ना 10 उसका 10 कहता है, चोर आता है चोरी करने, नाश करने, घात करने ले, पर मैं आया ताकि तू जीवन पाए, बहुतायत से जीवन पाए. Therefore, John 10:10 says, the thief comes to kill, steal, and destroy, but I came that you may have life. And have it abundant. कितने लोग कहेगा मेरा शरीर पूरा परमेश्वर के लिए उपलब्ध है. How many people say that my body is fully available to God? मेरा सर के बाल से लेके पैर के नाखूनों तक यीशु मसीह से भरकर. यीशु मसीह आपकी महिमा प्रकट होने दे. Let your name be glory. Let your glory manifest through me. परमेश्वर के वचन में कहा कि वो अपने पुत्रों को प्रकट करने का समय आ चुका. The word of God says it's time for the sons of glory to be manifested. Amen. Amen. परमेश्वर के पुत्रों को प्रकट करने वाला है. God's sons of glory are going to be manifested. जो जहाँ पर खड़ा होगा उधर चमत्कार चालू हो जाएगा. Wherever the people stand, there the glory will begin. जो जिस शहर में जाएगा वो शहर चंगाई से भर जाएगा. The city they go, that full city. वो जिस हॉस्पिटल में प्रवेश करेगा वो हॉस्पिटल के सारे पेशेंट निकल आएगा. Wherever they enter the hospital, all the patients will come out. Amen. Hallelujah. वो कब्रिस्तान जाएगा वो कब्रों खाली होने वाला. The tomb they go to, the tombs will come out empty. कितने लोग विश्वास करेंगे? You believe this? Amen. Amen. ये है परमेश्वर की महिमा. This is God's glory. Amen. Amen. जहाँ पर परमेश्वर की महिमा उधर परमेश्वर खुद उपस्थित है. Where God's glory is, God Himself is present there. आज जहाँ पर परमेश्वर प्रेजेंट है उधर मैनिफेस्टेशन पक्का है. Where God is present, there the manifestation is sure. Amen. Amen. उसके लिए परमेश्वर की शेखाइना ग्लोरी चाहिए. Therefore we need the Shekinah glory of God. दूसरा कोरिंथियों 10 उसका 13. 2 Corinthians 10:13. दूसरा कोरिंथियों 10 उसका 2 Corinthians 10:13. हम तो सीमा से बाहर घमंड कदापि नहीं करेंगे, परंतु उसी सीमा तक जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहरा दिया है उसमें तुम भी आ गए हो, और उसी के अनुसार घमंड भी करोगे. We brethren, we however will not boast beyond measure, but within the limits of the sphere which God anointed us, a sphere which especially includes you. We will not manifest our personal faith, but the glory of God will be manifested there. आपको उस लेवल में जाने के लिए फास्टिंग, प्रेयर, वचन पढ़ना बहुत जरूरी है. To go to the level of glory, you need to fast, pray, अभिषेक महिमा तभी बढ़ेगा जब आप प्रार्थना करेगा, फास्टिंग लेगा और प्रभु में बने रहेगा. The anointing and glory will then be manifested and multiply when you are in fasting and prayer and in the word of God. Have do fasting.
जस्ट परंपरा तौर से नहीं, डू इट इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ फास्टिंग। गुड फ्राइडे आने के पहले 40 दिन फास्टिंग लेते हैं, वो परंपरा के तौर पर। गुड फ्राइडे दे टेक 40 डेज फास्टिंग, दैट्स नॉट, दैट्स ट्रेडिशनल। आई मीन फास्टिंग, लो प्रार्थना करो, प्रे, प्रभु की बातों में मग्न रहो, बी लॉस्ट इन द द थिंग्स ऑफ गॉड। प्रभु के वचन को स्टडी करो, स्टडी द वर्ड ऑफ गॉड। हर रोज हम लाइव में आते हैं, सीखो, बिकम लाइव, लर्न। मैं चाहता हूँ कि मैं जो 25 साल सीखा हूँ आप सीखे उसे, और प्रभु की विश्वास अभिषेक और महिमा में प्रवेश करें। I believe that what I learned for the 25 years, you learn and walk in the faith of God. कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? If you believe this, वापस बोलता हूँ, हमको महिमा, परमेश्वर को महिमा वाला विश्वासी चाहिए। God wants believers of glory. इसलिए यूहन्ना की किताब में परमेश्वर उन लोगों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। Therefore, the word of God says in John, God is looking for those believers that worship Him in spirit and truth. भजन संहिता 63 उसका एक और दो। Psalm 63:1-2 हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊपर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरी अति अभिलाषा है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि किया, तेरी सामर्थ और महिमा को देखा है। ओ गॉड, यू आर माय गॉड, अर्ली विल आई सीक यू, माय सोल थर्स्ट फॉर यू, माय फ्लेश लॉन्ग्स फॉर यू, इन अ ड्राई एंड थर्स्टी लैंड वेयर देयर इज नो वाटर। So I look for you in the sanctuary to see your power and your glory. Hallelujah. Hallelujah. Supernatural कैसे काम करते हैं? विश्वास. How does the supernatural work? अभिषेक. We learned about faith. अभिषेक. Anointing. और महिमा. And the glory of God. Amen. Amen. विश्वास क्या है? परमेश्वर विश्वासियों को दिया है. That God has given believers. ताकि हम आत्मिक क्षेत्र में प्रवेश करें। That we can enter into the faith world, spirit world, into the spirit world, आत्मिक दुनिया में हम प्रवेश करें। We can enter into the spirit world. प्रभु हमें विश्वास दिया। God has given us faith. Faith के बारे में विश्वास दिया। God has given us faith. आत्मिक प्रभु की बातों को पहचान सके, जान सके। So we can know the spiritual, the things of God. अभिषेक क्या है? What is anointing? जो भी प्रभु आपको बुलाया, हर विश्वासी को प्रभु पवित्र बुलाहट से बुलाया। Every believer is called with a holy calling. अभिषेक आपको उसमें अगुवाई करेगा। That the anointing will lead you into that calling. Hallelujah. Amen. कितने लोग सुन रहे हैं? I'm feeling sick. विश्वास क्या करेगा? What will faith do? आपको spirit realm, यानी कि प्रभु के राज, प्रभु की बातों में आपको अगुवाई करेगा। Faith will take you to the spirit realm, that will lead you in the things of God. इसलिए हमारी जिम्मेदारी है विश्वास में निरंतर। प्रभु हमें नापतोल का विश्वास दिया है, हमको निरंतर उसमें बढ़ाने। God has given us a measure of faith, we must keep on increasing. अभिषेक क्या है? What is anointing? हर व्यक्ति के लिए अभिषेक अलग है। Everybody, the anointing is different. क्योंकि प्रभु हम सबको पवित्र कॉलिंग से बुलाया है। We are all called with a holy calling. वो अभिषेक हमें अगुवाई करेगा। That anointing will lead us. Amen. यीशु मसीह कलीसिया के द्वारा वो कार्य करेगा। God will do through His church. पवित्र आत्मा यीशु मसीह बिना कुछ नहीं कर सकता। Holy Spirit without Jesus can do nothing. Amen. हम भी यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के बिना कुछ नहीं कर सकते। So we without Jesus and Holy Spirit. इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, ना तो बल से ना तो शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। God's word is not by might nor by power but with the Holy Spirit only we can do everything. Hallelujah. महिमा क्या है? What is glory? महिमा क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति जो मुझ में प्रकट होता है, the God presence of God which is manifested in me, जो visible form में, which are the visible form, जो परमेश्वर चाहता है मेरे द्वारा, what God expects from me, परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा करता है, through the power of God will do it, परमेश्वर के सामर्थ, God's power, Amen, Amen, उसकी deity, उसकी ईश्वरता मुझे, मैं सिर्फ प्रभु में खड़ा रहेगा, बाकी सब कुछ प्रभु मेरे द्वारा महिमा में करेगा। For God and God will do everything in His glory. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. कितने को चाहिए परमेश्वर की महिमा? How many people want the glory of God? परमेश्वर की महिमा में आपका नहीं, प्रभु खुद सब कुछ आपके लिए करेगा। The glory of God, you don't have to do anything, but God Himself will do it for you. पर वो लेवल, उसके लिए आपको दाम चुकाना पड़ेगा। But for that level, you need to pay a cost. Amen. Amen. कुछ भी धरती में ऐसे नहीं मिलता। Nothing comes just like that. Ephesians 3:17-19
19. एफिशियो 3 17 से 19. 17 to 19. विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसा है, तुम प्रेम में जड़ पकड़ कर नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई, ऊंचाई और गहरी कितनी हो, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। That Christ may dwell in your hearts through faith. That you being rooted and grounded in love may be able to comprehend with all the same what is the width, length, depth, height, to know the love of Christ which passes knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Amen. Amen. Romans 1:17. Romans 1:17. उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से विश्वास के लिए प्रकट होता है, जैसा लिखा है विश्वास से धर्मी जन जीवित रहता है। For in it the righteousness of God is recorded from faith to faith, as is written, the just shall live by faith. विश्वास से अभिषेक को बुलाता है, अभिषेक महिमा को बुलाता है। Faith, say what is faith? विश्वास अभिषेक को बुलाता है और अभिषेक महिमा को बुलाता है, level है। The faith calls for anointing. Anointing calls for the glory of God. कितने लोग समझ रहे हैं? I'm understanding. विश्वास के बिना महिमा नहीं होगा, महिमा के बिना sorry अभिषेक के बिना महिमा नहीं। Without faith there's no anointing. Without anointing there's no glory. इसलिए कुछ बातें जो 10 साल लगता है महिमा में एक साल में आपको मिल जाए। What takes 10 years to take place in your life, it just in glory it just takes in 10 minutes. Amen. पत्रोस ने रात भर मेहनत की। You see the life of Peter whole night he labored in the water as a fisherman, but never caught one fish. महिमा में, but when the glory of Jesus came, यीशु की महिमा में पत्रोस को बोला जाले डालो, तो जाले डाले मछलियों से भर गए। In the glory of Amen. Amazing. The glory of Jesus. When Jesus instructed him to put the net in the glory, what happened? In a moment's time, the shoals of fishes he brought into the net and brought it out. इन दिनों में पास्टर्स लोग सुनो, आप जब महिमा में खड़ा रहेगा, हजारों लाखों लोग यूं ही आपके कलीसिया में आ जाएंगे। Let me tell you, pastors, listen. When you just stand in the glory of God, the multitudes like the fish will come into your church. प्रेरितों के काम 2:41. Acts 2:41. अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, उसी दिन 3,000 मनुष्य के लगभग उनसे मिल गए। And those who gladly received his word and were baptized, that day about 3,000 souls were added to them. इन दिनों में सारी दुनिया परेशानी और बोझ में, कोरोना वायरस में दबे हुए, परमेश्वर अपनी विश्वासी महिमा वाला विश्वासी लोगों को तैयार कर रहा है, ताकि झुंड के झुंड कलीसिया में आने के लिए। In these days, in amidst of all coronavirus adversity, but God is preparing the church that multitudes or multitudes will come into the church. I am प्रभु की आराधना स्तुति करें। Shall we worship the living God? कितने लोग पहचान और महिमा को? How many of you all understand? इन दिनों में परमेश्वर महिमा में प्रभु खुद उपस्थित होकर कार्य करने वाला है। In these days, God is going to work in the anointing. कितने लोग आज से बोलेंगे, प्रभु जी मुझे तेरी महिमा चाहिए? How many of you will say, I want the anointing of God? मैं विश्वास किया। मैं अभिषेक से भरा हूँ, अब मुझे महिमा चाहिए। I want the glory of God. वो महिमा में क्रिएटिव मिरेकल्स होने वाला है। In the anointing, there is going to be creative miracles. वो महिमा में इंस्टेंटली सब कुछ पाने वाला है। In the anointing, instantly you'll find great. कितना विश्वास करेंगे? I mean, if you believe, क्या हम प्रभु की आराधना करेंगे? Will we do the glory of God? प्रभु की महिमा इस जगह पर उपस्थित है। की महिमा में आनंद ही आनंद है। की महिमा में आनंद, कई कई बार हंसते रहेगा। Yes. वो प्रभु की yes. महिमा है। I've been receiving that lately. Hallelujah. Yes, गवाही दीजिए। Yeah, I can just witness what pastor said about the there's a rejoicing and laughter in God's presence since the time I became sick with stroke. कितने लोग तैयार? You want to say that a testimony? Yes. Okay. Sorry. Okay. I want to witness about that. As Pastor said, there's a lot of rejoicing and laughter in the glory of God. परमेश्वर की महिमा में आनंद
और खुशियाँ और मुस्कान है भाई. Because when since I got three years back I was paralyzed. और 3 साल पहले लकवे के बीमारी से मैं परेशान थे. And do you know what God did? आपको मालूम है प्रभु ने क्या किया? He just filled me with the spirit of laughter. और उसने अपनी हंसी की आत्मा से मुझे भर दिया. And I was thinking, why am I laughing so much? I should be crying that I got paralyzed. आज जब मैं लकवे के बीमार थे तो मैं रोना मांगता पर परमेश्वर मुझे हंसी की आत्मा. I should laugh without reason. और कोई भी मतलब नहीं, मैं हंसने लगा. And my husband children would always have a questioning look, what happened? और वो हमारे पति और बच्चे लोग सोचते सवाल करते थे क्या हो गया. I would just laugh. मैं हंसता था. I would feel the presence and the peace of God. और मैं परमेश्वर की उपस्थिति और शांति को महसूस. And you know what happened? आपको मालूम है क्या हुआ? God quickly healed me of paralysis. और पूरी तौर से प्रभु ने मुझे लकवा की बीमारी से बाहर. I can walk, I can talk, I can do great things. और मैं बात कर सकता हूँ, टीच कर सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ. That's the glory of God. वो है परमेश्वर की महिमा. And he fills you with laughter. वो आपको हंसी और खुशी और आनंद से भर. The devil does against you. जो शैतान दुष्ट आत्मा आपके विरुद्ध करता है. To pull you down. वो आपको नीचे गिराने के लिए. But God will pull you up by the laughter and glory. परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा महिमा और हंसी और खुशी. That's our great mighty God of glory. और वही है महिमा वाला परमेश्वर. Praise God. Hallelujah. इसलिए वो महिमा वाला विश्वासी को ढूंढ रहा है. Therefore he is looking out for the believers of glory. कितने लोग महिमा वाला विश्वासी? How many feel are believers of glory? जो परमेश्वर से भरा रहे. Filled with God. आप बाहर जाएंगे तो आपको नहीं लोग देखेंगे, प्रभु को वो देखेंगे. When you go out they will not see you, they see the glory of God. आप सुपरमार्केट में जाएंगे, बीमार लोग सुपरमार्केट में चंगाई पाएंगे. They go to mall and supermarket and people who are sick in the supermarket will start getting healed when you enter. इन दिनों में दुनिया बीमार है पर आपके द्वारा प्रभु दुनिया को चंगा करने वाला. These days the world is sick, but through you God will heal the sick. कितने लोग महिमा वाला विश्वास? How many of you become believers of glory? मैं स्वर्ग के राज्य को ले चलता. I will take the kingdom of God and. मैं प्रभु की उपस्थिति को ले चलता. I will take the presence of God. मेरा जीना यीशु मसीह है. My living is Christ. मेरा सब कुछ यीशु मसीह. My everything is Christ. मैं उसकी महिमा से भरा. I'm filled with God's glory. Come on, दो पलम प्रभु की आराधना. Shall we worship God? Hallelujah. महिमा देंगे तुझको. तुझको प्रभु तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है. तेरा नाम और सबसे ऊंचा है. We bring glory to your name. को नहीं जाने till now, if you don't know Jesus आपने Christ, अपना जीवन यीशु के हाथ में नहीं दिया. If you're not giving your life to Jesus, आज वक्त है. Now's the time. आप अपनी आँखों को बंद करके, close your eyes, हाथों को उठाकर, lift up your hands, मेरे साथ ये प्रार्थना बोलो. Say this prayer with me. हे स्वर्ग पिता, Heavenly Father, मैं आपके चरणों में आता हूँ. We come into your presence. जाने अनजाने में, knowing and unknowingly, मुझसे जो भी पाप हुआ, whatever sins have committed, मुझे तू क्षमा कर. Forgive us, O God. अपने लहू से, with your precious blood, धोकर
वॉश शुद्ध कर मेक अस होल पवित्र कर होली आप मेरे लिए आया केम फॉर मी मारा गया डाइड फॉर मी दफनाया गया बरीड फॉर मी जी उठा यू रोज अप अगेन आज मेरे लिए आप जिंदा टुडे यू आर अलाइव फॉर मी आप ही मेरा प्रभु है यू आर द ओनली लिविंग गॉड पवित्र आत्मा मुझे मदद कर होली स्पिरिट हेल्प मी आज से मैं आपके लिए फ्रॉम नाउ ऑन आई विल आपने मेरे अंदर विश्वास डाला यू हैव गिवन मी फेथ अभिषेक किया यू हैव अनॉइंटेड मुझे महिमा से भर फिल मी विद योर ग्लोरी पवित्र आत्मा धन्यवाद थैंक यू कदम कदम पर एवरी स्टेप ऑफ माय लाइफ मुझे तू ले चल You take me through. सारी महिमा तुझे देता। Give you all the glory. यीशु के नाम से मांगता हूँ। Jesus name we pray. Sir, our grand. Hear an answer. Amen. Amen. अगर आप ये प्रार्थना किया, You have said this prayer. तो आपका नया जीवन है। You have got a new life. बीते हुए सब कुछ निकल गया। All the past has gone away. प्रभु आपको नया कर दिया। God has made you new. अब आप यीशु के लिए जीजिए। Now you live for Jesus. आप कलीसिया में जाइए जहाँ पर वचन देता है। Go to a local church where you get a good word. Amen. Amen. निरंतर हमसे बने रहिए। Be connected to us. प्रभु आपको निरंतर प्रभु में बढ़ाए। God will increase you in अब वक्त है अगर आप बीमार हैं। Now is the time for praying for healing. आपके हाथों को उस बीमार जगह पर रखें। Just place your hands where you're sick. अगर आपको माइग्रेन हेडेक If you have a migraine headache. Supernaturally मेरा यीशु चंगा करे। My God will supernaturally heal. प्रभु की महिमा इधर और आपके घर में उपस्थित है। God's glory is here and in your house. आपको दिख रहा नहीं वर पर वो कार्य करता। But God is working. आपकी आंखों से पानी निकलता है। Water is flowing from your eyes. आंख में हाथ रखें। Place your hands on your eyes. अगर आपकी कानों में पस निकलता है। There's pus in your ears. सुनता नहीं। Can't hear. आवाज सुनते नहीं। You're not able to hear the voice. हाथ रखिए यीशु के नाम। Place your hands on your ears. आपके मुंह में झाले। There's ulcer in your mouth. आपके शरीर में कैंसर है। There's cancer in your body. जहाँ पर कैंसर है उस जगह पर हाथ। Cancer is place your hands. क्यों हाथ रखने का क्योंकि आप विश्वास कर रहे हैं। You're believing God. मेरा यीशु आपको छू कर चंगा करे। My God will touch and heal you right now. प्रार्थना के बाद And after prayer, आप निकाल के देखिए जो कर नहीं पाते उसे करिए मैं बताऊं प्रभु की सुपर नेचुरल पावर आपको चमत्कार आपको विश्वास करने का नीड टू बिलीव जैसा आप दवाई पे विश्वास करते medicine, बढ़कर More than that, स्वर्ग और धरती के मालिक यीशु मसीह पर विश्वास जीवन में करेगा हम जल्दी से और प्रभु की आराधना करेंगे आंखें बंद करके मुझे मत देखिए प्रभु को देखिए look at Jesus. जब आप प्रभु को देखा प्रभु की नजर आप पर पड़ेगी Call from your heart. दिल से पुकारिए. Call from your heart. प्रभु उन लोगों का ढूंढ रहा जो आत्मा से चाहे. Look out for those people who will worship Him in spirit and truth. Yes, let's worship. Let's worship. देंगे तुझको प्रभु महिमा तुझको प्रभु महिमा देंगे तुझको और तेल लेके आए कई लोगों की गवाही आ रहे प्रार्थना करते वही अभिषेक When we pray, the same anointing. प्रभु जो मेरे ऊपर उंडेला God is flow up, overflowed on me. प्रार्थना करता तो वो अभिषेक contagious के समान फैलता है. When we pray, it'll go like contagious into your house, into your body. महामारी के समान फैलेगा.
the same like the best place is contagious. So this anointing is contagious. पानी को पीजिए, घर पे लगाइए. Please use this oil in the water. बीमारों पर लगाइए. Put it on sick people in your house, हाथों your family. को रखा है. And whoever has placed a hand upon the oil and water. और हाथों को अपने अंगों पर जब बिगड़ा है रखा है, आज इसी वक्त प्रभु आपको चंगा करेगा. And you're placing your hand upon the place which are afflicted, God will heal you right. I am. चंगाई की नदियां बह रहा है. The healing rivers are flowing from you. विश्वास करिए. Believe it. और प्रभु की महिमा को देखिए. And you will see the glory of God. Come on, दो पल. For 2 minutes. महिमा देंगे तुझको. यीशु. महिमा तुझको. यीशु. पिता धन्यवाद इस तेल और पानी को तेरे हाथ में देता हूँ. तू अभिषेक कर प्रभु. You anoint to God. तेरे वचन में देखते हैं परमेश्वर. We see in your word. कलीसियाओं के बुजुर्ग लोग जब पानी और तेल को अभिषेक करते हैं, हमें ले जाकर बीमारों पर डालते हैं, वे चंगाई पाते. They would be healed instantly. तू आज कल हमेशा के लिए वही समान. You are the same yesterday, today and forever. जो तू कल की आज भी करेगा. What you did yesterday, you'll do it today. अनेक लोगों के चंगाई की सामर्थ पहने दे. And let your healing flow upon every person. हर दुष्टता अंत हो जाए. Every wickedness will come to end. हर बीमारी नष्ट हो जाए. Let the sickness be destroyed. हर वो बीमार लोग ये पानी पिएंगे, ये तेल लगाएंगे, चंगाई पाएंगे. महिमा से भर. हम इसे आशीष करते हैं. उन्हें हमें अधिकार की आशीष के लिए. अधिकार को इस्तेमाल करते हैं. यूज द अथॉरिटी ऑफ. आशीष किया धन्यवाद. थैंक यू. सारे लोग जो अपने हाथों को रखा है. लॉर्ड ऑल द पीपल हैव प्लेस योर हैंड्स अपॉन देम. बीमार लोगों को तू स्पर्श कर. टच देयर अफ्लिक्टेड एरियाज. हील देम लॉर्ड. वो आंखों से पानी बहता है, बंद हो जाए. वाटर फ्लोइंग फ्रॉम द आईज बी स्टॉप. कानों से पस निकलता है, बंद हो जाए. स्टॉप फ्रॉम द ईयर. वो सुनने और देखने दे प्रभु. लेट देम हियर एंड सी. ओ गॉड. होने वाला झाला कैंसर काइंड ऑफ अल्सर इन द टंग इन द माउथ. वो मरेगा नहीं, जिंदा रहेगा. तेरी महिमा करेंगे. दे विल नॉट डाई, दे विल लिव एंड डिक्लेयर गॉड्स वर्क. किडनी स्टोन पिघल. वी मेल्ट द स्पिट ऑफ द किडनी स्टोन इन यीशु के नाम. Let kidney be healed. Liver ki sujan sahi ho jaye. All the liver swelling be gone in Jesus name. Sari angon mein teri samarth pehne. Let your power be manifested in every organ. Dushti satane wala dusht atma main band de. Every torment is being bound in Jesus name. Get out, go to the pits and never return again. Let chengai pan. Let all the people be healed and wholesome. Har vyakti samarth se bharne. Let everyone be filled with power. Har vyakti mahima se bharne. Let every person be filled with glory. Aashish kiya dhanyavaad. Thank you for blessing. Vachan se aashish kiya dhanyavaad. Bless to the word of God. सबने कहा कितने लोगों को अच्छा लगा. हाथ उठा के बोलिए धन्यवाद. आपके जीवन में, in your life, आपके शरीर में, in your body, आपको चंगाई लगता है. God healing. जो नहीं कर पा रहे तो what करके could not do it. अच्छा लगा. You liked it. नीचे कमेंट में शेयर करें. Comment down and share it. प्रभु आपके जीवन में क्या किया. Whatever God has done in your life. हमारा प्रभु सुनना चाहता, हम सुनना चाहते. My God wants to hear what we want to hear. प्रभु की महिमा करें. And together we'll glorify God. जो प्रभु करता है आप गवाही बनेगा. When whatever God does, if you become a testimony, अनेकों गवाही प्रभु आपको देगा. And many tests will come to you. आप प्रभु की महिमा करेंगे. And you will glorify God. प्रभु खुश हो. God will be happy. हर रोज सुबह हम आते हैं 7 बजे. Every morning we come at 7. आप भी आइए. You too come. मिलकर हम प्रभु की महिमा. Together we'll glorify God. पिता परमेश्वर का प्रेम. Love of God. यीशु मसीह के अनुग्रह. Praise the Lord Jesus Christ. पवित्र आत्मा की सेवा. Fellowship of the Holy Spirit. यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ. In Jesus name we pray. With all. सबने कहा. Everyone said. Amen. 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 Amen.